नए साल के आने पर दुनिया भर में जश्न मनाया जाता है और बॉलीवुड हस्तियां पूरे दिल से फेस्टिवल में शामिल होती हैं। एक्साइटमेंट के साथ नई शुरुआत का स्वागत करती है। जैसे ही साल 2024 सामने आया, स्टार्स ने अलग अलग तरीके से जश्न का माहौल अपनाया। कुछ स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों के बीच, कुछ पिरामिड के बीच, कुछ अपने परिवार के साथ और कुछ दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल होते नजर आए। प्रियंका चोपड़ा भी इन छुट्टियों में अपने परिवार के साथ शामिल हुई और अब एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ काबो में नए साल का स्वागत किया। उनके बीच वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें उनकी खुशी के पलों की झलक देखने को मिल रही है। इंटरनेट देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर से गुलजार है, जो मेक्सिको के काबो में दोस्तों और परिवार के साथ छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में सामने आई फोटोज में एक्ट्रेस अपनी बेटी मालती मैरी को गोद में लिए हुए बीच पे धूप का आनंद लेती नजर आई हैं। बिकिनी के ऊपर सफेद सारंग पहने हुए वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। दूसरी फोटो में निक को दोस्तों के साथ अपने समय का भरपूर आनंद लेते देखा जा सकता है। उन्होंने एक कैजुअल बीच वेकेशन लुक चुना है, जिसमें उन्होंने एक टी शर्ट, शॉर्ट्स और एक टोपी पहनी हुई है और धूप से बचने के लिए सनग्लासेस लगाए हैं। बात करें प्रियंका के वर्क फ्रेंड की, तो प्रियंका को लेटेस्ट बॉलीवुड फिल्म लव अगेन में देखा गया था, जहां उन्होंने सैम के साथ काम किया था। प्रेजेंट में वो हेड ऑफ स्टेट नाम के एक प्रोजेक्ट की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें वो इद्रीज एल्बा और जॉन सीना के साथ स्क्रीन शेयर करती हैं। बॉलीवुड में एक्ट्रेस को फरहान अख्तर की जीले जरा में शामिल होने की उम्मीदें थी। इस फिल्म में आलिया भट्ट और कटरीना कैफ भी थी। हालांकि मेकर्स ने खुलासा किया है कि शेड्यूलिंग मुद्दों की वजह से फिल्म को डिले कर दिया गया है।